यहाँ पे बैग एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब कुछ सामान इसमें डाल रहे हैं, कुछ यहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि सबको गर्मी हो गई है। सबने बैग लगा रखे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिंकवाण ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैंने कल बोला था ना कि हमारे देवता नाच रहे हैं, तो हम सब घर जा रहे हैं, 3-4 दिन के लिए देवता नाच रहे हैं। तो अभी सुबह हम नहा धो के एकदम से रेडी हो गए हैं, और बैग वगैरह हमारा सारा पैक वगैरह हो गया है। एक बैग ये है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कपड़े हैं। मतलब 3 जनों के कपड़े हैं ना, तो इतने हो ही जाते हैं। इसमें थोड़ा कटंग बटंग, थोड़ा सब्जी वगैरह ले जाएंगे घर, तो बस यही है। और स्कूटी लेके जाएंगे, क्योंकि स्कूटी में थोड़ा सामान ना आगे भी रखने को भी होता है, और बाइक में बहुत दिक्कत होती है यार, बिल्कुल भी सामान रखने की जगह नहीं होती। मतलब जगह तो क्यों नहीं होती, पर पहले पूरा बांधना पड़ता है, तो बहुत लंबी लंबी प्रोसेस है। हमको तो यहीं पर जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि स्कूटी लेके चलते हैं। तो चलते हैं, फिर रेडी हो रहे। अन्नू बेटू भी रेडी हो गए, अन्नू के पापा भी रेडी हो गए, और मैंने कपड़े अभी पूरे ऐसे अस्त व्यस्त हो रखे यार। जब भी कहीं जाना होता है ना, तो पूरा सामान ऐसे ही हो जाता, कोई इधर उधर। और ये 2 कैलेंडर है, ये भी ले जाने हैं घर। इसमें अंदर मतलब फ़ोटो है, जो आगे देवता के वहाँ पे लगाने के लिए चाहिए, तो ये 2 फोटो हैं। तो अभी रेडी हो गए, तो फिर चलते हैं, थोड़ा मार्केट में सामान सामान लेना है। तो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको रास्ते में, ठीक है? तो दोस्तों, अभी आ गए हम गांव वाले रास्ते में, और इतनी तेज़ गर्मी हो रही ना अभी, मुझे तो यही लग रहा है यार, जैकेट पहन के भी क्यों ही आई होगी मैं। अभी ऐसा लग रहा है जून में नहीं होती जितनी गर्मी, उतनी गर्मी लग रही है। बहुत तेज़ वाली धूप, और धूप से तो मुझे इतनी ज़्यादा एलर्जी है, फेस पे ना थोड़ा एलर्जी टाइप की हो रही है। दोस्तों, ये है हमारे गांव का रास्ता। सबने बैग लगा रखे हैं। देखो, गांव में गेहूँ भी होने लग गए हैं, ये पूरी बाली आ गई है गेहूँ की। और ये दोनों पापा बेटी पता नहीं क्या कर रहे हैं पीछे से। भाई जिंकवाण जी ने कितना बड़ा बैग लगा रखा। तो दोस्तों, यहाँ पे बैग एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब कुछ सामान इसमें डाल रहे हैं, कुछ यहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि सबको गर्मी हो गई है। आज तो थोड़ा मौसम थोड़ा हल्का गर्म था, नहीं तो भाई बहुत तेज़ गर्मी हो रही है भाई। अब पता, गोपेश्वर का मौसम इतना अच्छा है ना, मतलब वहाँ तो पता ही नहीं चलता कब गर्मी हो रही कब ठंडा हो रहा, मतलब सनातन मौसम है एकदम अच्छा वाला मौसम। और इसमें मेरा ये वाला बैग है, पता इस बैग को कितने साल हो गए? 10 साल हो गए इस बैग को, जब मैं साल तो नहीं हुए हैं। दोस्तों, आप लोगों को एक सच्ची बात बताऊं, अभी ना चलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, और इतनी गर्मी हो गई ना भाई साहब, मुंह एकदम सा रेड रेड सा हो गया। ऊपर दिख रहा वो रेड वाला पेड़ किस चीज़ का है? वो शिमल, शिमल का, शिमल का। अच्छा, तो दोस्तों, अपने गांव की जो खूबसूरती होती है ना, वो देखो आप लोग, पानी का झरना। मन तो कर रहा है अभी पानी में एक डुबकी लगा के आ जाऊं, पर पॉसिबल नहीं। इसकी कमी थी हमारे गांव में सिर्फ रोड की, अगर रोड आ जाती ना तो 4 चांद लग जाते, पर भगवान करे जल्दी आ जाए। उम्मीद तो यही है भगवान से कि एक दिन हमारे गांव का भी विकास होगा, जरूर होगा। ओ, छुपली थी, मैं नीचे चली गई। Oh,
बोलो क्या बोल रहे हो मायना? जोर से बोलो ना, जो चीज है ही नहीं क्या है? क्या है? तो दोस्तों अभी हमारा सुबह का नाश्ता हो रहा है और सब नाश्ता खाने के लिए बैठ रहे हैं। आजकल इतने ज्यादा आ रखे हैं ना घर में, देवता नाच रहे हैं ना, तो इस वजह से सब आ रखे हैं। और जी कुमार जी क्या क्या हो रहा है? दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग, और अभी है ये नेक्स्ट डे। कल हम शाम को आ गए थे, फिर रात को देवता वगैरह नाचे और आप लोगों को देखा ही होगा जितना भी हमने आप लोगों को दिखाया। और अभी सुबह का पता कितना बज रहा है? सुबह का 10 बज रहा है, और 10 भी ऐसा लग रहा है ना गांव में कि भाई आधा दिन हो गया, मतलब 12 बज गई है। तो अभी हमारा सुबह का नाश्ता वगैरह हो गया सब चीज़ें, तो अभी बर्तन वर्तन धो के, तो मैंने सोचा थोड़ा वीडियो का एंड नहीं करा था। कल रात को आए, फिर उसके बाद देवता देखने गए, 2 बजे तक हमने देवता वगैरह देखा। फिर उसके बाद इतनी नींद आ रही थी, अभी भी नींद ही आ रही है क्योंकि रात को बहुत लेट सोए हम, 3 बजे सोए। बोलो हाय, बोल दो हाय।
हाय बोल दो सबको। हाय क्लास, मैं अब फेंकने जा रही हूँ। डंडा मम्मी को पढ़े, बाय बाय। गांव में जितने दिन है उतनी गांव की वीडियो बनाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय पहाड़, बाय बाय।